नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आपका स्वागत है। और अब तो ये सीरीज कई महीने पुरानी हो चुकी है। आप जानते हैं कि हर शुक्रवार, शनिवार और रविवार हम आपको मिलाते हैं देश के जाने माने कलाकारों से। और स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आपको जो कलाकार, युवा कलाकार नजर आ रहे हैं, स्वीकार कट्टी जी हैं। सितार का जो सबसे प्रतिष्ठित घराना है, सबसे पुराना घराना है, इमदाद खानी घराना, उस घराने से वो ताल्लुक रखते हैं। परिवार में संगीत की परंपरा रही है और इनसे बातचीत करेंगे और बातचीत में इस बात को भी समझेंगे कि ये जो सबसे समृद्ध परंपरा होती है किसी भी वाद्य यंत्र की या किसी भी कला की, उससे जुड़ने के बाद जिम्मेदारियां कितनी ज्यादा बढ़ जाती हैं एक कलाकार की। सबसे पहले स्वीकार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार शिवेंद्र जी, आपको मेरा नमस्कार। और मैं आपका यूट्यूब चैनल देख रहा था और इतने दिग्गज कलाकारों से आपने बातचीत की है और उसको देखते हुए मुझे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है ये कि आपने मुझ जैसे युवा कलाकार को इसमें आमंत्रित किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, युवा कलाकार के तौर पर तो हमको ये, मैं मुझे लगता है कि अपने सब्सक्राइबर्स को जरूर बताना चाहिए। हुआ यूं कि इस दौर के जो बांसुरी के सबसे बड़े कलाकार हैं पंडित रोनू मजुमदार, उनसे मैंने एक रोज पूछा कि दादा कुछ नए कलाकारों के बारे में बताइए जिनसे हम अपने सब्सक्राइबर्स को मिलवाएं, उनसे हमें भी बातचीत करने को मिले। और उन्होंने बहुत ज्यादा तारीफ की। उन्होंने कहा बहुत सुरीले हैं, बहुत यंग हैं, लेकिन बहुत ही एक मझे हुए, पके हुए कलाकार हैं। तो मुझे लगा कि मैं कितनी जल्दी मेरी आपकी मुलाकात हो, तो ये कॉम्प्लीमेंट ही पहली बात में आपको कैसा लगा रोनू दा का? ये उनका बढ़प्पन है बस और कुछ नहीं। दादा ने जो मुझे प्यार दिया है, मतलब इतने लेजेंडरी कलाकार से इतना मतलब अपेक्षा भी नहीं कर सकते, तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बहुत बड़ी बात है जो उन्होंने यह बात कही है। और उनको जहां भी मौका मिला है उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया है, उनको मेरा नाम रेकमेंड किया है कि आप इनको बुलाइए। तो आई डोंट नो मतलब ये कैसे हुआ है, लेकिन बस उनकी कृपा है। और उनके साथ अभी रिसेंटली मुझे काम करने का मौका मिला, तो इतना ज्यादा एनकरेज करते हैं कि आप मतलब आपकी जो कैपेसिटी हो उसे आप बहुत ज्यादा उनके लिए बजा देते हैं, इतना उनका अप्रिसिएशन होता है और इतना आपको प्रोत्साहित करते हैं। तो रोनू दादा का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरा नाम, मेरा ये जो मेरा नाम आपको सुझाया है। थैंक यू सो मच। असल में तो स्वीकार, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी चीज होती है ना, वो आपकी जो कला है, आपके जो संस्कार हैं, वो रास्ता अपने आप, ये तो एक माध्यम हुआ कि रोनू दा के जरिए हमारी मुलाकात हो रही है, लेकिन फैक्ट ये है कि असल में तो वो जो हमारी हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार है, हमारा संगीत है, हमारे संगीत की साधना है। और वो साधना तो मैं पढ़ रहा था कि आपने बहुत कम उम्र में शुरू कर दी थी, तो जरा बताइए कि वो, ये इस पर बात करेंगे अभी आगे कि पिताजी आपके खुद म्यूजिक से जुड़े रहे हैं, सितार वादक रहे हैं, संतूर वादक रहे हैं, लेकिन आपका बचपन क्या कोई इस तरह की वो थी कि नहीं सीखना ही सीखना है संगीत, या स्वतः आया, खुद से आया कि नहीं मुझे सीखना है, मैं भी सीखना चाहता हूँ? दरअसल मेरे साथ ऐसा हुआ कि संगीत का वातावरण पहले से मेरे घर में था, तो उससे जो फर्क पड़ता है कि आप सीखने से पहले मतलब तालीम एक्चुअल शुरू होने से पहले ही आपकी सबकॉन्शियसली तालीम शुरू हो जाती है। मतलब जन्म होते ही आप जब भी घर पे आते हो उसके बाद अगर संगीत का ही माहौल हो घर पे, जैसे, और मेरे घर में ना सिर्फ शास्त्रीय संगीत का लेकिन सेमी क्लासिकल म्यूजिक का, लाइट संगीत का भी माहौल रहा क्योंकि मेरे पिताजी कंपोजर भी है, तो और मेरी माताजी गायिका है, तो जयपुर अतरौली घराने की गायिका है वो, तो उस गायकी का असर रहा। और पिताजी सितार संतूर बजाते हैं और म्यूजिक डायरेक्शन करते हैं, तो वो रियाज मैंने देखा है, रिहर्सल्स देखी है जहाँ म्यूजिशियंस घर आते थे, उनके साथ बातचीत चर्चा होती थी, पिताजी हारमोनियम लेके कंपोज कर रहे हैं, तो इतनी सारी चीजें मैंने देखी है। और उस वजह से हुआ ऐसे कि
जब तक आपको सीखने की समझ आती है उससे पहले इतना म्यूजिक कान पे पड़ा हुआ है कि ऑलरेडी बहुत सा मटेरियल आप सुन चुके हैं, उसका क्या करना है पता नहीं, लेकिन राग रागिनिया या सेमी क्लासिकल ठुमरी ले लीजिए, कजरी, ये चीजें आपने इतनी सुनी है तकरीबन 8-9 साल की उम्र तक। तो सीखना तो मैंने अराउंड 8 साल की उम्र में शुरू किया, तबले से शुरुआत की, उसके पहले इतनी चीजें सीखी थी, इतनी मेलेडीज, इतने राग दिमाग में थे, हालांकि रागों के नाम भी नहीं पता होंगे, लेकिन जिस घराने की गायकी मैंने सुनी है, जयपुर घराने की, उस घराने के जो बहुत मुश्किल राग है उसकी जो बंदिश है वो मुझे पहले से याद हो गई थी। हालांकि बैठ के कभी सीखा नहीं था, मेरे ख्याल से मेरी मेरी दादी भी गाती थी, श्रीमती विमल कट्टी जी, तो उन्होंने, हालांकि तब तक उन्होंने गाना छोड़ दिया था, लेकिन मेरे बेसिक जो लेसन्स है कुछ गाने के वो मुझे मेरी दादी से मिले, तो उनसे मैंने कुछ बंदिश वगैरह बेसिक मुझे याद है अभी भी, उनसे मैंने वो चीज सीखी, और 8 साल की उम्र में मैंने पिताजी से तबला सीखना शुरू किया। तो वो चीज दो साल तक शुरू रही, तबला मैंने सीखा, क्योंकि बेसिक ऐसा समझा जाता है कि पहले थोड़ा लय का भी ज्ञान हो, और उसके बाद 10 साल की उम्र से मैंने सितार सीखना शुरू किया। मैं इस बात पर थोड़ा विस्तार से अभी बात करूंगा, आपके तबले की शुरुआत पर, लेकिन स्वीकार, पीछे कुछ भगवान की मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, फोटो फ्रेम दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही बहुत ही पवित्र सा आपका साज सितार भी दिखाई दे रहा है, तो गुजारिश करेंगे कि कोई भक्ति रचना, कोई भजन उस पर अगर आप हमारे लिए छेड़े, और उसके बाद हम इस बातचीत को जारी रखेंगे। जैसा इस भजन से मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए, दरअसल हम इंटरव्यू की शुरुआत में ही कलाकार से गुजारिश करते हैं, लेकिन आपसे बातचीत इतनी मजेदार और लाइट नोट पे शुरू हुई कि मेरा दिमाग से उतर गया। अच्छा, मैं एक सवाल ये जानना चाह रहा था, आपने अभी इस भजन से पहले तबले का जिक्र किया था, मैं बहुत सारे ऐसे कलाकारों को जानता हूं जिसमें उस्ताद अमजद अली खां भी शामिल हैं, जिन्होंने तबले से सीखना शुरू किया
और फिर वो शिफ्ट हुए अपने सरोद पर, बल्कि उनके पिताजी को तो तबला छिपाना पड़ा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये तबला ही बजाने लगे। तो एक तो होता है कि तबला सीख रहे थे और वन फाइन डे हमको लगा कि नहीं, हमको तबला नहीं सीखना, हमको सितार सीखना है या हमको सरोद सीखना है। और एक ये हुआ कि नहीं, हमें सीखना तो सितार है या हमें सीखना तो सरोद है, लेकिन उसमें ताल की समझ आ जाए इसलिए पहले हम तबला सीख लेते हैं। तो ये जो कॉन्शियस एफर्ट के साथ आपने तबला सीखा शुरुआत में, क्या उससे कुछ ज्यादा फायदा हुआ? क्या आपको लगता है कि आप एक बेहतर संगीत को समझ पाए, ताल वाद्य को समझ पाए? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं नहीं कहूंगा कि ये कॉन्शियसली मेरा प्लान था, शायद मेरे गुरुजी का, मेरे पिताजी का प्लान रहा कि तबला मैंने सीखना शुरू किया। लेकिन यू नो, 8 साल की उम्र थी तो इतना सीरियसली रियाज नहीं करता था मैं, तो पिताजी बड़ा डांटते थे, तो इसलिए मजा आता था, लेकिन थोड़ी देर बजाया फिर बाकी खेल कूद में के लिए चले गए। तो रियाज नहीं किया मैंने ज्यादा, तो उतना मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ शायद तबले में। हालांकि मजा आता था, लेकिन रियाज की एक जिसको लत लग जाती है उसको थोड़ा टाइम लग गया। तो उसके बाद 2 साल के बाद जब मैंने सितार शुरू किया तब ऐसे तब शायद कॉन्शियसली वो बात ऐसे हो गई कि सितार में ही ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि सितार में जिस तरह से आप मेलेडी और रिदम दोनों एस्पेक्ट्स को जिस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हो। हालांकि मेरे पिताजी संतूर भी बजाते हैं, तो मेरे काफी लोग पूछते हैं कि वो भी एक ऑप्शन रहा होगा आपके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, उस पे भी मैंने कोशिश की थोड़ी, लेकिन सितार जो एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे आप गायकी और तंत्र का जो एक मिश्रण आप लोगों के सामने रख सकते हो, हर प्रकार का म्यूजिक बजा सकते हो, तो इसलिए मुझे सितार क्योंकि एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट लगा। फिर मैंने एक बार सितार शुरू करने के बाद तबला भी छोड़ दिया, क्योंकि जितना बेसिक नॉलेज चाहिए था उतना मिल गया था कि रिदम को समझना कैसे है, तबले की जो बेसिक्स है, तबले की जो वाणी है वो कान में बैठ गई थी। तो उसके बाद फिर ऐसे नहीं हुआ कि तबला भी करना है और सितार भी करना है। और फिर वो मैं पढ़ रहा था कि आपके पिताजी ने छोटा सा एक छोटा सितार लाके दिया जिससे आपकी सितार की ट्रेनिंग शुरू हुई। स्वीकार, मैं मेरी बहुत क्यूरियोसिटी होती है एक चीज जानने की, और मैं संभवतः आपसे पूछ सकता हूँ ये सवाल। आप खुद भी कह रहे हैं कि पिताजी सितार भी बजाते हैं और संतूर भी बजाते हैं, हारमोनियम भी बजाते हैं, ये कैसे संभव होता है? एक मतलब जैसे क्रिकेट में होता है ना कि मैं बैटिंग भी करता हूँ, बोलिंग भी करता हूँ, फील्डिंग भी अच्छी करता हूँ, तो मैं ऑलराउंडर हूँ। तो ये मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें उंगलियों का काम है, भाई सितार में आप उंगलियों से बजा रहे हैं, संतूर में आप एक एक, एक डंडी जिसको हम कहते हैं वो पकड़ के आप बजा रहे हैं, तो वो एक अलग तरीका है, हारमोनियम एक अलग तरीके से बजता है। तो क्या इन इन इंस्ट्रूमेंट्स के अंतर संबंध क्या है, मतलब इंटर रिलेशन क्या है जिससे कि एक कलाकार ये सारी चीजें कर लेता है? हो सकता है 19-20 करता हो, सकता है वो हारमोनियम उतना परफेक्शन से ना बजा पाता हो जितने परफेक्शन से सितार बजाता है, लेकिन कैसे कनेक्ट कैसे होती हैं ये सारी चीजें? देखिए, इस सबकी जो बेसिक चीज है वो है गाना। तो क्योंकि मेरी दादी से, मेरे पिताजी ने गाने से शुरुआत की थी, तो पहले तो दिमाग में म्यूजिक बैठ गया है, और उसके बाद फिर ये चीजें कंपैरेटिवली आसान हो जाती है। और मैं कहूंगा ही इज वेरी गिफ्टेड, कि जो भी साज उन्होंने हाथ में लिया वो उनको ज्यादा मुश्किल नहीं हुई उसमें उसपे एक कमांड हासिल करने के लिए। क्योंकि गाने के बाद, जैसे मैंने कहा, मैंने 2 साल तबला सीखा, तब उन्होंने भी गाने के बाद तबले से ही शुरुआत की थी, तो तबला भी बजाते थे जी। तो 72 में ऑल इंडिया रेडियो कंपटीशन में भी उन्होंने फर्स्ट प्राइज जीता है तबले में। तो उस वजह से पहले गाना करने के बाद फिर तबला किया, और फिर सितार के बाद क्या हुआ, मेरे जो चाचा जी है वो भी सितार बजाते हैं, तो ऐसे हुआ कि कुछ वक्त तक सितार डेवलप करने के बाद उन्होंने फिर सोचा कि घर में 2-2 सितार भी बज रहे हैं, उसके बदले में और एक साज भी कोशिश कर लेता हूं। तो जैसे संतूर चुना, तो संतूर पे भी उन्होंने एक अलग अपनी पहचान बनाई, क्योंकि
संतूर उन्होंने सीखा नहीं कहीं से। तो संतूर तो जो सितार की जो एक शैली है उसको उन्होंने संतूर पे उसको विकसित किया है, जो जिस वजह से एक अलग स्टाइल बन जाती है। तो क्योंकि गाना बेस है तो गाने को दिमाग में रखते हुए उन्होंने उसको उन चीजों को अपने हिसाब से उसको डेवलप करते गए। मैं रामगिरी के सब्सक्राइबर्स के लिए ये बताना चाहूंगा कि स्वीकार जी जो बात कह रहे हैं उसको ऐसे भी समझा जा सकता है थोड़ा और आसान तरीके से कि जो बड़े गुरु हैं वो कहते हैं कि कोई एक राग सीख लो अच्छे से, 2-2.5 साल लगा के एक राग सीख लो। जब एक राग सीख लोगे तो उस एक राग से तमाम रागों के रास्ते अपने आप निकल जाते हैं क्योंकि सुर साथ ही हैं। तो वैसा ही मेरे ख्याल से स्वीकार जी का भी कहना है कि चूंकि पिताजी ने पहले वो गाना उनके अंदर बैठ गया और फिर उसको बजाना है। तो स्वीकार जी हम आपके गायकी अंग पर आए और उस पर बातचीत करें, मतलब सितार के गायकी अंग को समझें, उससे पहले एक बार फिर गुजारिश करेंगे कि कोई एक शास्त्रीय राग हमें बजाकर सुनाइए सितार पर। जी जी बिल्कुल। अजन और इस शास्त्रीय राग के बाद उस विषय पर आते हैं। स्वीकार जी हमने बहुत सुना है कि ये सितार का गायकी अंग है और इमदाद खानी घराना जो है जिस घराने की परंपरा को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं वो तो इसके लिए मशहूर भी रहा है। आप बहुत आसान शब्दों में अगर आप इसको परिभाषित करना चाहें, डेफिनेशन देना चाहें इसकी, तो आप क्या बताएंगे हमारे सब्सक्राइबर्स को, स्पेशली जो संगीत के ग्रामर को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझते। तो गायकी अंग जो है उसको सारे लोग जानते हैं, उस्ताद विलायत खान साहब ने उसकी डेवलपमेंट असली रूप में उसकी डेवलपमेंट उन्होंने की है। तो क्योंकि गाना सब लोग पहले सीखे हुए थे
उसी नजाकत से वही बात इंस्ट्रूमेंट पे कैसे कही जा सकती है। उसमें जो जो गायकी के जो मेन जो अंग है, जो मीन है, गमक है, मुरकी है, उसी चीजों को गले के क्लोज आप लेके जा सके अगर इंस्ट्रूमेंट पे, तो कितनी नजदीक ले जा सकते हैं आप, क्योंकि उसी नजाकत को आप इंस्ट्रूमेंट में कैसे उतार सकते हैं, क्योंकि इट डिपेंड्स फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट। हर एक इंस्ट्रूमेंट की जो लिमिटेशन है उसको रखते हुए आप गायकी बजाने की कोशिश करते हैं। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जी का अगर आप सुने तो उस इंस्ट्रूमेंट के जो लिमिटेशन है उसमें उन्होंने मींड को कैसे कायम रखा जा सकता है, इन्वेंशन उन्होंने स्टिक्स के जरिए जो की है। तो उस हिसाब से मैं कहूंगा हर एक इंस्ट्रूमेंट पे गायकी ही बचती है, बस उस इंस्ट्रूमेंट के लिमिटेशन को मद्देनजर रखते हुए उसको बजाया जाता है। तो सितार जो वाद्य है जिसमें आप मींड भी ले जा सकते हैं और स्टकैटो नोट्स भी लगा सकते हैं, तो उस हिसाब से डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का आपको म्यूजिक बजाना है, इतना वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है कि आप सब चीज तरह की गायकी उसमें बजा सकते हैं, जो क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो, फिल्म म्यूजिक हो। तो ये किसी भी टाइप के म्यूजिक को अगर आपको उतारना हो इंस्ट्रूमेंट में, तो आप पहले अगर गाना सीखे हो तो आपके अगर दिमाग में और जहन में वो बात बैठी है कि ये कैसे निकलना चाहिए, जैसे गले से निकल रहा है, तो उसको उसको गायकी अंग हम लोग बोलेंगे। जब गाई हुई चीज हम लोग उतारने की कोशिश कर रहे हैं, करीब करीब उसी क्या कह सकते हैं उसको, उसी ढंग से जिस तरह से वो गले से निकली हो। मैं इस प्रश्न को पूछने का स्वीकार जी मेरा मकसद यही था। हमारी जो संस्था है रागगिरी, हम लोग 2014 से प्रयास ही यही कर रहे हैं कि ये जो एक एक हवा सा बना हुआ है ना कि शास्त्रीय संगीत तो बहुत ही कोई ऐसी चीज है जिसमें छूना ही नहीं, बहुत बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बहुत ही जटिल है, बहुत ही कठिन है, है कठिन हम मानते हैं, है एक साधना हम मानते हैं, लेकिन क्यों ना इसको हम आसान करें, क्यों ना हम इसको छोटे छोटे बच्चों तक, 8, 9, 10 साल के बच्चों तक समझाएं। इसीलिए मैं ये समझना चाह रहा था कि अगर मैं बहुत ही गंभीरता के साथ ऐसे हाथ बांध के बताऊं कि ये सितार का गायकी अंग है तो लोगों को लगेगा कि ये कोई पता नहीं क्या चीज है, लेकिन असल में तो जो आपने बहुत ही आसान परिभाषा बताई कि जो हम गाते हैं अगर उसी चीज को हम अपने इंस्ट्रूमेंट में उतार दें तो वही गायकी अंग है। और मुझे लगता है कि यूट्यूब पर अगर हमारे सब्सक्राइबर्स जाएं और उस्ताद विलायत खान साहब का नाम लिया था अभी स्वीकार जी ने, सिर्फ लिखें उस्ताद विलायत खान और उस्ताद बिस्मिल्ला खान और एक जुगलबंदी आएगी और उसमें आप देखिए कैसे दोनों इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, यानी खान साहब शहनाई बजा रहे हैं और विलायत खान साहब सितार बजा रहे हैं और बीच में वो लोग गाने लगते हैं मोहे पनघट पे नंदलाल, और इतनी अमेजिंग वो क्लिप है। तो वो ही दरअसल गायकी अंग है।